राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रांत अध्यक्ष ने अपनी फेसबुक पर पोस्ट डाली है जिसमें राकेश टिकैत को कुछ भी होने पर देश में आग लगाने की बात कही है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? ये क्या है कि ना इनको जो किसान आंदोलन कर रहे हैं जो किसान के नाम पे जो बाकी दलाल हैं उनका कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, तो इसलिए भड़काऊ पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं। इस पे जो आग देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं इस पे वैधानिक कार्रवाई होगी। हम भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के की ओर से हम ये कहना चाहते हैं कि इनको किसान का पूरे देश में कभी समर्थन मिलता जिस उचित मांग लेकर करते हैं तो इनको पूरे देश के जनता का समर्थन मिलता किसानों का। सर फेसबुक पर कुछ भड़काऊ पोस्ट का मामला सामने आया है तो किस तरीके की संघर्ष है, किस तरीके की कार्रवाई की जाती है? देखिए अभी तक तो मेरे संज्ञान में नहीं है, आपके माध्यम से मेरे को अभी जानकारी मिली है कि कोई आपत्तिजनक पोस्ट किसी व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर की गई है। अगर मेरे पास कोई शिकायत आई है तो उसमें जांच कर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी उस पर करवाएंगे। बाकी सभी लोगों से मेरा एक आग्रह है और अपील है कि किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ या पक्ष विपक्ष में जो भी आप बोलें वो पूरी तरह से लीगल तरीके से हो। कोई भी किसी की भी भावनाओं को भड़काने के संबंध में शब्द उसमें ना लिखे जाएं, और अगर इस तरह से कोई भी किसी प्रकार की पोस्ट डालता है आपत्ति में तो उस पर पहले भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हुई हैं, फिर हम कह रहे हैं कि फिर हम उस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे।